हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिसको बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी के शुरुआत में मधु नाम की लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। वह वैश्या बनने से इनकार करती है, इसलिए कोठे की मालकिन रश्मिबाई उसे पीटती है। बाद में गंगूबाई को मधु को मनाने के लिए बुलाया जाता है, जिसका किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। वह मधु से मिलती है और उसे अपनी कहानी बताती है। गंगूबाई काठियावाड़ के संपन्न परिवार में जन्मी गंगा जगजीवन दास काठियावाड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी। 16 साल की उम्र में वह अपने प्रेमी रमणीक लाल के साथ मुंबई भाग आई। उसने उसे फिल्मों में किरदार दिलाने का वादा किया था, लेकिन वह उसे कमाठेपुरा में शीला मासी के यहाँ 1000 रुपए में भेज देता है। वहाँ उसे जबरदस्ती वैश्या बनना पड़ा। बाद में वह अपना नाम गंगू रख लेती है। वही उसकी दोस्ती कमली नाम की एक महिला से हो जाती है। एक रात कोठे पर शौकत अब्बास खान नाम का एक शख्स आता है और गंगू पर हमला करता है और उसके शरीर को बुरी तरह से काट फाड़ देता है। वह न्याय के लिए माफिया नेता रहीम लाला के पास जाती है, जिसका किरदार अजय देवगन ने निभाया है। बाद में वह उसका भाई बन जाता है। शीला मासी के मरने के बाद गंगू अपने कोठे की मालकिन बन जाती है और वह अपना नाम गंगूबाई रख लेती है। गंगूबाई जबरदस्ती वैश्यावृत्ति के धंधे में आई लड़कियों की हमेशा मदद करती है। मधु की बात सुनने के बाद वह उसे कोठे से छुड़वाती है और उसे सुरक्षित घर भेज देती है। गंगूबाई को बाद में दर्जी अफसान रज्जाक से प्यार हो जाता है, जिसका किरदार शांतनु महेश्वरी ने निभाया है। हालांकि वह कुसुम नाम की एक साथी वेश्या की बेटी रोशनी से उसकी शादी करा देती है, जिससे कि उसे वेश्या ना बनना पड़े। वह कमाठीपुरा में रजेबाई के खिलाफ चुनाव लड़ती है, जिसका किरदार विजय राज ने निभाया है। इस भूमिका में वह महिलाओं के अधिकारों की वकालत करती है। गंगूबाई 12 साल बाद पहली बार अपने परिवार को फोन करती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी मां ने उसे भागने के लिए अभी तक माफ नहीं किया है। इसी तरह फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और बाद में उसे पता चलता है कि एक वार्ड सचिव एक स्कूल के सहयोग से कमाठेपुरा में गंगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना चाहता है। गंगूबाई वैश्यालय के बच्चों के साथ स्कूल जाती है। वहाँ वह सभी 8 लड़कियों के लिए 5 साल की फीस देती है और कहती है कि वैश्यालय के बच्चे भी शिक्षा के लायक। वहाँ उसकी मुलाकात पत्रकार फैजी से होती है, जिसका किरदार जिम सर्ब ने निभाया। लड़कियों को पत्रकार फैजी के सामने दाखिला दिलाया जाता है। वही कमली बच्चे को जन्म देने के बाद बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। गंगूबाई कमली की बच्ची पम्मी को गोद ले लेती है। एक रैली में गंगूबाई भीड़ से पूछती है कि वैश्याओं के साथ भेदभाव क्यों होता है, जबकि वे सेवाएं प्रदान करते समय भेदभाव नहीं करती। वह यह भी कहती है कि वह वैश्याओं के बच्चों को शिक्षा दिलाने और वैश्याओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। उसी भाषण के बाद गंगूबाई अपने कोठे में पत्रकार फैजी और एक स्थानीय राजनेता का स्वागत करती है। राजनेता उससे वोट मांगता है और उसे बताता है कि जो स्कूल उसके वैश्यालय को खाली कराना चाहता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। गंगूबाई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करती है। गंगूबाई प्रधानमंत्री से वैश्यावृत्ति को वैध करने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देते हैं। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री अंततः इस मामले पर एक समिति गठन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह वैश्यालय और कमाठीपुरा को खाली करने से इनकार करने के लिए भी मान जाते हैं। वैश्यावृत्ति को तो वैध नहीं किया जाता है, लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी की बदौलत कमाठीपुरा ने निरंतर अस्तित्व का जश्न मनाया। तो फ्रेंड्स, स्टोरी तो फैंटास्टिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिल्म में जो दर्द है वो सिर्फ देखते वक्त ही नहीं होगा, देखने के बाद भी वो आपके अंदर रहेगा और सोचने को मजबूर करेगा। और वो दर्द फिल्म की मुख्य भूमिका निभाने वाली आलिया भट्ट ने बखूबी बयान किया है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है वो जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।